इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज चूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। जैसे कि अभी सर्बिया में है, यूक्रेन है, जो कि अभी यूक्रेन वार चल रहा है तो उसके कारण से यूक्रेन में बंद है, रसिया है। तो धीरे धीरे ऐसे सीरीज में आपसे हर एक कॉलेज के बारे में बात करूँगा। चलो सबसे पहले बात कर रहा हूँ सर्बिया के बारे में। सर्बिया में तीन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ निस, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राजुवा और नोवी साद। तो सबसे पहले बात करने जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ क्राजुवा के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इतना कॉलेज है, इसमें से हम सर्बिया ही चूज क्यों करें। सर्बिया चूज करने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सर्बिया इज ए पोटेंशियल ईयू मेंबर, जो कि वो बाद में ईयू मेंबर बन सकता है। जैसे कि सर्बिया के बगल वाली कंट्री है बोस्निया, बोस्निया ने अप्लाई किया था तो अभी वो पिछले ईयर है ईयू मेंबरशिप के लिए, और सबसे ज़्यादा चांसेस है इसका ईयू मेंबर बनने का। तो एक फ़ायदा यहाँ पे है। सबसे बेस्ट बात है सर्बिया का चूज करने का कि वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर सबसे बेस्ट है। जैसे कि यूक्रेन, रसिया, कजाक, इन सब से फार बेटर है सर्बिया का क्लिनिकल एक्सपोजर। तो एक ये हो गया, और एक्सेप्टेंस रेट वहाँ पे कम है। मतलब जैसे अप्लाई करते हैं वहाँ पे तो 75% बच्चे एक्सेप्ट होते हैं। वहाँ का प्रोसेस लंबा है, एग्जामिनेशन देना पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वहाँ पे यूरोपियन बच्चे पढ़ते हैं, ऑल ओवर द यूरोप के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं क्योंकि वो यूरोप से सस्ता है। और मोस्टली वहाँ पे बच्चे जर्मनी के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ निस में मेरा एक फ्रेंड है तो वो बता रहा था कि उसके और उसके कॉलेज में भी जर्मनी के बच्चे ज़्यादा हैं, तो इंटरनेशनल बच्चे, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा है वहाँ पे ऑल ओवर द अब्रॉड जहाँ पढ़ते हैं। जब बात किया जाए यू मेंबरशिप का, तो सर्बिया 22 दिसंबर 2009 को अप्लाई किया था, तो अब उसका चांसेस ज़्यादा है यू मेंबरशिप में होने का, और वो पोटेंशियल मेंबर भी है यू मेंबर बनने का। तो एक तो फ़ायदा ये है, और जैसे कि मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हो कि इंडिया और सर्बिया के रिलेशनशिप कैसा है, वहाँ के लोगों का थिंकिंग कैसा है इंडियंस के प्रति, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके साथ रेसिज्म ना हो। तो वहाँ पे इंडिया और सर्बिया का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मेरा फ्रेंड बता रहा था वहाँ पे जो है अभी वहाँ पे इंडियंस को लाइक करते हैं और इंडियन कल्चर के बारे में जानते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात कि इंडियन गवर्नमेंट और सर्बियन गवर्नमेंट का भी बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। इवन सर्बिया का रिलेशनशिप विद इंडिया, रसिया एंड चाइना बहुत ही अच्छा है, और यूरोप से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना इंडिया से अच्छा। सर्बिया में कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन हो रहा है, तो पहला यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ निस, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राजुवाक और यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद। तो सबसे बेस्ट इन द सेंस की लिविंग एक्सपेंस और सब कुछ को जब मिला के देखा जाए तो सबसे ऊपर आ रहा है अभी क्राजुवाक, और एजुकेशन भी अच्छा है यहाँ का। और एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ निस। तो सबसे पहले हम लोग क्राजुवाक के बारे में बात करना चाहेंगे कि क्राजुवाक का है कैसा सब कुछ। क्राजुवाक को चूज करने का सबसे मेन रीज़न है कि वहाँ का अफोर्डेबल, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल वो है। जैसे कि आप फ़ी के बारे में बात करें तो सबसे कम फ़ी है क्राजुवाक का 5,000 यूरोज, और जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ निस के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ निस का 6,000 है, नोवी साद का करें तो 7,000 अप्रोक्स चले जाता है। जब बात किया जाए यूनिवर्सिटी ऑफ क्राजुवाक के बारे में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ क्राजुवाक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो कि 1997 में शुरू हुआ था, तो ये बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी है, और मीडियम ऑफ इंग्लिश इसका सर्बियन एंड इंग्लिश है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश है। तो जो अभी नया NMC का रूल है उसके अकॉर्डिंग, अपन लोग का जो नया रूल है NMC का उसके अकॉर्डिंग ये भी वैलिड है। और वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि ऑब्वियसली नीट से ईजी है, और इंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, और पहला पेपर होता बायो का, दूसरा पेपर होता है केमिस्ट्री का जो कि ऑनलाइन होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, ये ऑनलाइन ही होगा इंटरव्यू भी, तो इसके थ्रू आप कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है। सबसे बड़ी बात है वहाँ पे कि सीट्स लिमिटेड है, टोटल
59 सीट्स है, जो कि 50 सीट्स ओनली फॉर इंडियन, तो वहाँ टोटल 50 सीट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो सही है। तो आप अपना ट्राई कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ामिनेशन और एग्ज़ामिनेशन फ़ी 100 यूरोज़ है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये NMC का टोटल रूल फॉलो करता है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। My appetite.